बंद कर दिया, पानी बंद हो गया इधर। किसका पूरे? इसका नाम है कुरकुरी। कुरकुरी। हेलो। अच्छा ये इनका किचन है, मतलब हाँ गैस पे नहीं बनाते ज्यादा, चूल्हे में बनाते, चूल्हे में बनाते हैं। हाँ यहाँ बहुत सारे, ये इनके लिए यहाँ पे इन्होंने नदी बना के रखी हुई, छोटी सी आर्टिफिशियल नदी है। ये तुम्हारे पीछे छोड़ेगा नहीं भाई, ये देखो भाई ये पीछे छोड़ रहा ही नहीं है। तो ये है हम लोग अभी रशद खेमा के गांव के अंदर में एक्चुअली। तो यहाँ पे जो यहाँ का व्यू है एक्चुअली देखेंगे, यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे घर बने हुए हैं जैसे बनते हैं घर गांव में, क्योंकि कंपेयर करेंगे दुबई की जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ से तो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे पूरा खाली खाली है, आई थिंक कुछ है भी नहीं, आई थिंक ये शॉप भी खाली है। ये देखिए यहाँ पे ट्रक में जा रहा है घास है एक्चुअली, आई थिंक यहाँ पे आगे में वो होगा खेत होगा या तो फिर वो जहाँ पे जानवर पलते हैं। भाई मैं ये खेतों में खड़ा हूँ, आपको लगता होगा कि मैं ये इंडिया में हूँ क्योंकि इंडिया में जो खेत होते हैं, बट रियलिटी ये है कि मैं यूएई के अंदर में हूँ, मैं रशद खेमा में आया हूँ जहाँ पे फार्मिंग होती है। तो ये देखो यहाँ पे लोग आई थिंक यहाँ पे जो यहाँ पे घास है वो काट रहे हैं। और ये देखिए जो पानी के पाइप लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे पूरा ये पूरा एरिया, ये एक अलग ही व्यू है यूएई को जो प्रतिनिधित्व करता है कि रेगिस्तान में भी उन्होंने सब कुछ एग्रीकल्चर किया हुआ है। वहाँ पे देखो लाइन से खजूर के झाड़ लगे हुए हैं वहाँ पे, और ये है फार्मर जो काट रहे हैं। कैसे वजन क्या हाल है? मेंढा है भेड़? अच्छा भेड़ है। आप कहाँ से वजन? ठीक है हमारा। आप कहाँ से? हमारा वीडियो कर रहे हैं बांग्लादेश से। अच्छा बांग्लादेश से। अच्छा सारा आता है इंडिया का, कितना आदमी आता है? अच्छा अच्छा अमरस्ता भटक के आ गया, फैमिली के आते हैं जब पिकनिक करता है। अच्छा यहाँ पिकनिक भी होता है? करता है ये लोग आते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे पब्लिक आती है पिकनिक बनाने के लिए भी, क्योंकि हम बेसिकली दुबई में जो हाल है जगह ही नहीं है वहाँ पे तो लोग बैठने के लिए। दुबई का क्या है, हमको हमारे आदमी लोग बोलते आओ इधर, हम भी जाते हैं इधर, सुकून है यहाँ का, अच्छा लगा इधर पूरा समझो इंडिया बांग्लादेश। तो ये कौन सी है, किसकी खेती है? ये गाय का, ये हमारा मुल्क में आपका मुल्क में भी है घास है ना ये तो, ये मालूम है ना? हाँ बोलो वो खाता है ना, ये करता है। अच्छा इंडिया में भी अभी है, बांग्लादेश में भी आती है? नहीं इंडिया में तो है ये बहुत है, ये चरी है जो वो रही है तो जो पॉपकॉर्न वाला होता है ना मकाई, हाँ हाँ वैसा ही कुछ है, जुंडी वाला है था। ये जुंडी है। अच्छा बोलता है सबलू हासी बड़ी, मेरे को तो घास लग रहा है जो जो गाय और भैंस खाते हैं काट के छोटा। हाँ ये देखो भाई ये नेचुरल एक्चुअली ये लोग उगा रहे हैं, नॉर्मली अगर देखेंगे दुबई में तो लोग आर्टिफिशियल लाके लगा देते हैं, बट ये देखो मस्त व्यू है यार, ये एक अलग दुनिया है एक्चुअली। भाई एक फ्रेशमेंट का है ना एक यहाँ पे जो ऑक्सीजन भी वो फ्रेश लग रहा है कि ब्रीथफुल हम ऑक्सीजन ले सकते हैं गांव में आ गए। हाँ गांव में दुबई का गांव है। तो भाई ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे पानी का सिस्टम जो है यहाँ पे, वो पानी यहाँ पे कैसा यहाँ पे हर ग्रास को जा रहा है, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ अंडरग्राउंड सिस्टम में पानी का डाला हुआ है, ये पूरा पानी वानी का सिस्टम है, यहाँ से पूरे खेतों में वहाँ पे पानी जा रहा है। ये जितने भी पाइप आपको दिख रही है उन्होंने स्टार्ट कर दिया अभी पानी को, उन्होंने स्टार्ट किया अभी पानी को। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखा जाएगा तो एडवांस टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर रहे, अच्छा है खेती बाड़ी के लिए कि अपने हिसाब से या लिमिटेशन में पानी लोग दे रहे हैं कि उतना जितना पानी चाहिए उतना ही पानी मिले। बंद कर दिया, पानी बंद हो गया इधर। देखो एक्चुअली भी यहाँ पे मोस्टली देखा नहीं यहाँ पे दोपहर में कि जो झाड़ वाड़ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें
बादाम का झाड़ है ना ये, बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ यार, ये बॉम्बे में देखा था। वो बड़हल का पेड़ है ना, बड़हल, बड़हल जो होता है। हाँ मुझे पता है, बादाम, बादाम इसको तोड़ने से अंदर वो निकलता था, छोटे में हम लोग बड़ा इसका 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 ज्यादातर गोश्त खाता है, ऊपर वाला। हाँ गोश्त इसका, अच्छा हाँ ऊपर का वो खा लेते हैं, लाल वाला। ये बड़ा आता है, ये जब मौसम आएगा इसका 80 दिरहम किलो, 80 दिरहम किलो। यहाँ पे इतना महंगा है, बॉम्बे में फ्री मिलता है यार, झाड़ के नीचे गिरा रहता है ना वो। नहीं है, अच्छा वो नहीं है, ये दूसरा है। तो अभी नहीं उगा है क्या? मैं खाला था अभी इसका। अच्छा तो ये आपके साथी जो है, हम छोड़ नहीं रही है, इधर जाएगा इधर। नाम क्या रखे इसका आपने? इसका नाम है कुरकुरी। कुरकुरी हेलो, ये हम जिधर जाएगा। हेलो कुरकुरी, क्या कर रही है? साथ में रहती है। हाँ हमेशा साथ में रहती है, पीछे 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 पीछे। जब तो हम रूम में नहीं जाएगा, नहीं जाके सोए। तो इसकी अम्मी अब्बा कहाँ है? नहीं है, ये सोते बस वो हमारा बुद्धि से लेके हम नहीं सो। तो रूम आप लोग कहाँ है? यहीं तो रूम वो उधर है हमारा, इधर इधर पाकिस्तान ही रहता है। अच्छा आप लोग का? हम लोग उधर है। अच्छा वो जो एंट्रीज पे था, एंट्री पे उसको रूम पे भी लेके जाते होगे ना? ये साथ में रहती सोती है। तो ये भाई ये सोती कहाँ पे फिर है? कमरा है ये, टुन 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 चल रही है ये वफादार है एक्चुअली। यार इसको कैसे ट्रेन किया है, एकदम साथ में ही है इसको, वो अटैच हो जाते हैं ना, जानवर बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा और ये है इनका आई थिंक सेटअप किचन, जो अक्सर तुम देखोगे इंडिया में गांव में जो दिखाते हैं ऐसा ही उनका बना होता है ना, एक गैस टाइप का बना होता है उनका। ये देखो ये चीज़ है यहाँ पे, ये लोग आई थिंक शाम में बैठना उठना खाना पीना है यहाँ पे, खाना बनाने का पूरा सिस्टम है। बस शुक्र लोग के लिए। हाँ ये थोड़ा अच्छा ही है यहाँ पे, क्या उन्होंने रूम में एसी दे दी है फिलहाल, रूम में फिलहाल फोन बैठने के लिए इनका सोफा दिया है भाई, सोफा भाई क्या चाहिए। बर्तन वर्तन भैया सब नहीं किया, मुझे लगता सालों में बना रखा होगा। हाँ चाय बनाने की कप भी है इनके पास, मतलब बाकी सारा कुछ है भाई। ये देखो ये है खजूर के झाड़ है पूरे यहाँ पे, ये खजूर का झाड़ क्या है, और यहाँ पे खजूर ने निकाला हुआ है, ये फ्रेश ताज़े खजूर है जो यहाँ से निकाले गए। ये देखो आई थिंक यहाँ पे लोग ड्राई कर रहे हैं, कि धूप में ड्राई करते हैं। ये क्या है मुझे पता नहीं है, बगर ये देखो खजूर, देखो लाइन से खजूर है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये फ्रेश है भाई, निकाले गए हैं ड्राई करने के लिए, फिर आई थिंक ये मार्केट में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है, और यहाँ पे ये है इनकी लाइफस्टाइल, रहना यहाँ पे, नहाना धोना यहाँ पे। आई थिंक इन्होंने एक छोटा सा अपना एक कॉलोनी बना लिया है। ये देखें पानी का टैंक यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रहने के लिए जगह लोग की है, और ये प्यारी सी यूकी। हेलो ये देखो, अच्छा ये देखो ये है आई थिंक मुर्गी लोग का फार्म है, ये मुर्गी हो गया, बतख हो गया यहाँ पे। हाँ ये देखो बतख है एक्चुअली यहाँ बहुत सारे, ये इनके लिए यहाँ पे इन्होंने नदी बना के रखी हुई छोटी सी आर्टिफिशियल नदी है, और वो है वहाँ पे बतख डक जो बैठे हुए। अच्छा यहाँ पे मुर्गी नहीं है बट खाली वो बतख है ना? नहीं मुर्गी है वो, थोड़ा आगे आगे देसी मुर्गी। गर्मी हो गया ना, गर्मी से मर गया। अच्छा बहुत मुर्गी मर गया, बतख भी मर गया, अभी हमारा इधर मर गया, तो दुबई मुंबई में रखे गए वहाँ ऐसी है ना उधर, ऐसा हमारा इधर इतना ठंडी में मर गया। ये उन्होंने बनाया भाई नदी बना के रखी हुई यहाँ पे लोगों ने, देखो वहां पे जा सकते क्या? ये इसका
ओहो हाँ वो अतरस की अम्मी हो। ये तुम्हारे पीछे छोड़ेगा नहीं भाई। ये देखो भाई ये पीछे छोड़ रहा ही नहीं है। अच्छा नारियल का झाड़ है अभी अभी मतलब बड़ा होगा ये ना। इसको टाइम लगेगा मगर अभी। तो आप यहाँ पे कब से हो भाई फिर? हमको बहुत साल हो गया। हम इधर है उधर है घर में था फिर इधर आया अभी बैठा हुआ। अच्छा ये लींबू है ये। अरे लींबू का झाड़। अरे ये जैसा बुत्ता का है बहुत बात में आएगा। ये नींबू यहाँ पे फ्रेश फ्रेश चीजें मिल जाती है। हवा देखो ना कितनी अच्छी आ रही है। हाँ इतनी गर्मी भी ठंडी हवा आ रही है। तो बादाम आप बेच देते हो क्या आप लोग? अच्छा ये जो है ना ये जो गिरा हुआ वही ना? हाँ ये लो बादाम ये एग्जांपल ये खराब है बट ऐसे ही ये होता है ये इस झाड़ में होता है ये। हम लोग कितना मारा उस टाइम। क्या भाई क्या अभी कुछ नहीं है खाली। अरे ये भी लींबू है क्या? बड़े बड़े भूत हम करे ये भूता कल का नमूना होता है। क्या होता है लेकिन वो लेबू है इतना खट्टा है वो। ये छोटा लेबू है ना ये छोटा लेबू है ये छोटा जाड़ वाला नहीं। हाँ छोटा लेबू। अच्छा वहाँ पे छोटे लेबू है ये छोटा और ये बड़े बड़े वाले ये आएगा बड़ा वाला होता है ऑरेंज जैसे होता है। हां फरवरी में ये बड़ा हो जाएगा येलो हो जाएगा ना ये कलर में पीला कलर हो जाएगा। बिल्कुल येलो हो जाएगा। मौसमी नहीं है? नहीं मौसमी नहीं। नींबू होता है बड़े वाले आई थिंक पीले वाले हैं वो बोल रहे हो। नहीं है। हां मौसमी नहीं है। इतना खट्टा है मत पूछो। ये देखो देसी मुर्गी बन दिख गई यहां पे। हम सब देते हैं हम लोग लेते हैं। अच्छा ये खजूर के मतलब आप लोग बेचते हो ना ये? नहीं नहीं हम लोग ये ऊंट का ले रखा है। ऊंट खाता है खजूर? ये रेस जो करता है उसका भी अच्छा। रेस वाला जिसको मजबूत करने के लिए। अच्छा 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 ये रेस वाला खजूर खाता है ये वाला। और वो चूल्हा भी आप लोग कौन सा? वो गैस है उसे थोड़ा कम से बनाता है हम लोग लकड़ी में ज्यादा बनाते जी। क्या है वो लकड़ी का ना? ये लकड़ी में बनाते हैं। लकड़ी में मस्त रोटी वगैरह बनाते हो भैया? ये रोटी है ड्राम में रोटी बनाते हैं। अच्छा यहाँ बनाते रोटी ऊपर में रखे? अरे हाँ ये इसमें भाई रोटी बनता है एक्चुअली लोग का। हाँ जरूर भाई उधर से फ्रेश वाला लेके आते हैं। देखो भाई यहाँ पे रोटी बनता है ऊपर में अच्छी रख के लोग बनाते हैं। ये मैंने देखा है अक्सर टीवी में मगर मुझे पता नहीं था। अच्छा ये इनका किचन है मतलब? हाँ गैस पे नहीं बनाते ज्यादा चूल्हे में बनाते हैं। ये है भाई चूल्हा इनका जरूर। तुम दावत दो हम लोग को हम आएंगे। अभी आएगा अभी आज कितना तारीख है? 19 को आप जा रहे हो ना? 19 को हम जा रहे हैं 15 को आ जाओ आप लोग। आपका नंबर लेता है 15-16 को आ जाओ मुश्किल नहीं। तो देखो भाई ये बोल रहे वीडियो पे हैं दावत दे रहे हैं 15 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे आएंगे और खाने के लिए। देखिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया रोटी ऐसी वाली। रोटी बनाएगा बड़ी रोटी बनती है क्या? कम नहीं भैया आ जा यहाँ पे आ जा बड़े भी बनाएगा थोड़ा छोटा भी बनाएगा। अच्छा मतलब इसमें इसके एक जायका अलग आएगा ना इसका? आई थिंक उसमें कुछ नहीं है मटेरियल कुछ नहीं सिर्फ नमक के बस। अच्छा नमक से आटा मारेगा खाला जैसा नहीं ये छोड़ा डालेगा वो डालेगा नहीं। अच्छा ये रोटी इसके ऊपर चिपका दी जाती है ना ऐसे? हां अरे क्या बात है भाई नया एक्सपीरियंस लेना तो आ जाएंगे क्या दिक्कत है। 1000 रुपए बना था 3 आदमी खाते। हाँ इतनी बड़ी रोटी बनाएंगे आई थिंक तो आई थिंक अच्छा नाश्ता में 4 आदमी खा के फिर ये भी खाता है। हाँ ये तो खाएगा हमारा बेटा ही। वो बिल्ली भी आएगा ना? अच्छा वो भी खाएगा पैर भी खलास नहीं होता है।
फिर भी रहता है। बड़ी काफी रोटी बनाते हैं लोग यार। नहीं, ये नेचुरल लाइफ है एक्चुअली। इन लोग जो भी खाते भी आई थिंक फ्रेश खाते होंगे, हमारे तरह नहीं फ्रोजन जो हम लोग खा के जी रहे। अच्छा, तो ये जो फार्म है, ये फार्म में इनके पास में फ्रिज भी है। बेसिकली हम देखेंगे तो इंडिया में हमारे पास फार्म के अंदर फ्रिज तो नहीं होता है, बट यहाँ पे फ्रिज भी है इनके पास। किसी को पीने? नहीं, शुक्रिया विक्रम भाई। अच्छा, यहाँ फ्रिज पड़े हुआ पानी के लिए। पानी का कूलर सा आता है कि कहीं से? नहीं, ये आपका किचन है। अच्छा, ये भी किचन है एक्चुअली इनके पास। सही, ये भी यहाँ पे गैस की फैसिलिटी भी है और यहाँ पे ये किचन इनका है। यहाँ पे पूरा नॉनवेज भरा हुआ है, मच्छी और मटन सब भरा हुआ है। अच्छा, तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे ये जो किचन है, इस किचन के अंदर में स्टॉक अवेलेबल है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। यहाँ पे सारी चीज भरी हुई है। और ये देखिए एंटीना, जो आई थिंक हम लोग 90s के टाइम में घरों में लगाते थे, ये टीवी के लिए, चैनल्स के लिए। यहाँ पे लगा हुआ है इनके पास में नीम का पेड़ है। बहुत टाइम हो गया इसको देखे हुए भी, नीम का पेड़ देखिए। तो देखो भाई, यहाँ पे एग्रीकल्चर में एक्चुअली फार्मिंग के बाद में लोगों का काम अब खत्म हो गया है और अभी यहाँ पे आके लोग क्रिकेट देख रहे हैं। ये देख रहे हैं और ये अपने साथ में घूम रहे हैं। इससे नाश्ता किया कि नहीं? बिल्ली भी किया। अच्छा, ये भी बोल रहा है। हम लोगों का नाश्ता का टाइम में वो बिल्ली भी उधर पूरा आ जाता है। अच्छा, तो आप लोग टाइमिंग क्या काम करने का, सुबह से लेके अभी शाम तक का? हमारा अपना टाइम नहीं है। नहीं, हमारा मर्जी का काम करते हैं। अच्छा, करता है बस शाम को पूरा करता है। अच्छा अच्छा, तो ड्रिल करता है बस, करता है नहीं चाहता है। मैं तो आराम करते हैं यहाँ पे, मर्जी के मालिक हैं। चलो भाई, ये देखो इनका, ये शाम का मंडली बैठ रहे हैं स्नैक्स के टाइम पे।